नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल्स सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था RRB NTPC और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के तहत मिशन सक्सेस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 12 टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, अगर वो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन को 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, 2018 में जो पेपर हुआ था उनमें हमने देखा कि 2017 के बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो अब 2019 में चांसेस है कि 2018 के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट जो पर्सन रहे थे उनके बारे में पूछा जाए। तो इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से किन को 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन थे? अंजलि एला मेनन। अंजलि एला मेनन। आगे है कि ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं। जो ऐहोल शिलालेख थे वो निम्न में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो किन से? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? जठर ग्रंथियों द्वारा द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है, किन एंजाइमों की क्रिया को आसान कर देता है? तो कौन से एंजाइम की? पेप्सिन एंजाइम की। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। आगे देखिए, आगे है कि किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? क्या है नाम? खुल्लम खुल्ला। तो किस अभिनेता की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी का नाम खुल्लम खुल्ला है? तो ऋषि कपूर। ऋषि कपूर है, उनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? खुल्लम खुल्ला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि निम डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, तो किस में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है इनमें से? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें? हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या हो सकता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए आज का क्वेश्चन कि व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकास विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। कि व्हिटेकर ने जो वर्गीकरण किया था उसके अनुसार समूह में जो शामिल जीव थे उनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो कौन सा है? मोनेरा। मोनेरा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक है। जो गर्भाशय में प्रेग्नेंट वूमेन उनमें भ्रूण भ्रूण होता है जो अंदर, उसको पोषण प्रदान करने वाला उत्तक जो है वो कौन सा है? तो कौन सा है? प्लेसेंटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक होता है वो कौन सा होता है? प्लेसेंटा होता है। आगे है कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है, या तो पूछ लेते तेल क्षेत्र कौन सा है या पूछ लेते तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? असम में, याद रखना। नेक्स्ट है कि बजाज ऑटो लिमिटेड के पहले मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी CCO कौन थे? जो बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी है उसके पहले मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी सीसो है सीसीओ है जो कौन थे? तो कौन थे? राकेश शर्मा। आगे है कि प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है कि डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। कल की वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा इनमें से एक है जो प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं होता है, तो कौन सा होता है? बल। बल प्रकृति में कभी भी अकेला नहीं पाया जाता है। आगे देखिए कि घर्षण बल डैश कार्य करता है। घर्षण बल
बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। आगे है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं, वो नई दिल्ली कराते हैं, तो लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया जो कहाँ है वो मुंबई में है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए कि भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। कौन सी समिति? मसौदा समिति। भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे है कि ओडोमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का जो उपयोग है वो किसको मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर, तो दूरी को मापने के लिए, दूरी डिस्टेंस को मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे है कि दिव्यांगों के लिए कौन सी राज्य सरकार विश्व का पहला आईटी परिसर स्थापित करेगी। दिव्यांगों के लिए कौन सी राज्य सरकार विश्व का पहला आईटी परिसर स्थापित करेगी? तो कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना सरकार जो है वो दिव्यांगों के लिए विश्व का पहला आईटी परिसर स्थापित करेगी। आगे है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे है कि पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर। आगे आपके लिए क्वेश्चन है कि दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे क्या कहा जाता है? दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे क्या कहा जाता है? स्नायु। स्नायु। आगे है कि लंदन के लॉयड्स की पहली महिला सीईओ कौन थी। लंदन के लॉयड्स की पहली महिला सीईओ कौन थी? तो कौन थी? ईग्गा बेयल जी, ईग्गा बेयल। आगे है कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है, सिंपल भाषा में पूछे तो विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। आगे है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने पर जो मुक्त होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट आपके लिए, वैसे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसको रीजनिंग के नज़रिए से ना पढ़कर अपने जीके के नज़रिए से पढ़ा जाता है कि 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। जो 100 वर्षों की अवधि होती है उसमें लीप वर्ष कितने होते हैं, ये आपको बताना है। तो कितने होते हैं? 24। क्योंकि इसका रीजनिंग से तो कोई महत्व ही नहीं रहता, सीधा आपको टिक करना होता है, तो जीके के हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि 100 वर्ष में टोटल 24 लीप वर्ष होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज के टेस्ट नंबर 13 के कुछ क्वेश्चंस जो आरआरबी ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर की 2018 की परीक्षा थी उसमें पूछे गए थे। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।